अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम अब्दुल मुहीद नदवी, 2021 से यूपी मतलब टीजीटी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उर्दू से तीसरी रैंक आई है। फिरोज भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कि आपकी तीसरी रैंक आई है तो इसके बारे में कुछ कहें, तो मैं बताना चाहूँगा कि उर्दू से मेरी वाबस्तगी बहुत मामूली सी थी। 2019 के अंदर मेरी पहली मर्तबा सोशल मीडिया के माध्यम से फिरोज़ भाई से मुलाकात हुई, वहीं से कुछ कुछ उर्दू से मेरी वाबस्तगी बढ़ने लगी। फिरोज़ भाई का जो चैनल है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी, और ख़ुद उन्होंने पर्सनली तौर पर मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उनके चैनल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो सफ़र जो मैंने 2019 में शुरू किया था, वो सफ़र दरअसल JNU का एंट्रेंस निकालने के लिए था, लेकिन उसी सफ़र की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा JNU का एंट्रेंस भी निकला। उसके बाद मैंने नेट का इम्तिहान दिया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं काफ़ी अच्छे रैंक से कामयाब रहा, और फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह UP मतलब TGT के अंदर भी मेरी तीसरे रैंक आई। तो अगर मैं कहूँ कि इसका काफ़ी हद तक श्रेय जो है वो फिरोज़ भाई को जाता है, इसलिए कि उन्होंने मुझे शुरू में किताबें वगैरह बताई और कैसे पढ़ा जाए कैसे ना पढ़ा जाए और सारी जो मंजिल है उसको कैसे तय मतलब किया जाए, उन्होंने सारा कुछ मुझे बताया। 2019 से मैंने जो पढ़ना शुरू किया, मुसलसल पढ़ता रहा, उसके बाद ये सफ़र आगे बढ़ता रहा। फिरोज़ भाई का साथ मेरे हमेशा साथ रहा, बराबर वो मुझसे पूछते रहे और अपने मतलब चैनल के माध्यम से बराबर मुझको बताते रहे, और फिर इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये उर्दू के यानी कि जो एग्ज़ाम 2021 के अंदर UP TGT इसके अंदर मेरी तीसरी रैंक आई। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी आप कोई इम्तिहान वगैरह की तैयारी करें तो पॉजिटिव रहें, अपने दिमाग में ये कभी ना लाएँ कि मैं नाकाम हो जाऊँगा। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे नाकामी हाथ लगेगी, आप माने कि आप नाकाम हो गए। आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक बने रहें और अल्लाह के ज़ात से उम्मीद लगाए रहें और अपनी मेहनत को बराबर करते रहें, लोगों के कहने से सुनने से पीछे ना हटें। एक दिन कामयाबी अभी आपके यानी कि एक दिन आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आपकी का जो मेरा सफ़र रहा, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे मालूम हुई वो यही मालूम हुई कि इंसान को मुस्बत रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। किसी भी इम्तिहान की अगर आप मतलब तैयारी कर रहे हैं, आप पॉजिटिव रहें, पीछे ना हटें, बस लगे रहें और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद बनाए रखें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं जो है ना मतलब कि अपने महबूब दोस्त फिरोज़ मतलब सैफी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। इसी तरह से जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, मैं उन सब का साथ देता हूं और मैं उन सब के लिए दुआएं करता हूं और सबको धन्यवाद बोलता हूं। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।